नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि ठेकेदार मजदूरों से कार्य कराने के बाद उनकी दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं। जब इसकी शिकायत संबंधित थाने पर की जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा पेटी ठेकेदार द्वारा मजदूरों से कार्य करवाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि पेटी ठेकेदारों के खिलाफ भी कानून बनाकर कार्रवाई की जाए और पुत्री विवाह योजना का लाभ विवाह से पूर्व किया जाए। मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर 3 महीने के अंदर सहायता राशि दी जाए। इस अवसर पर भुआल प्रसाद, ध्रुव कुमार, रविंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने कहा, भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के तत्वाधान में असंगठित मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये काम करते हैं। काम के दौरान इनको जो है दबंग मालिकों द्वारा इनका उत्पीड़न किया जाता है। काम कराने के बाद इनकी वाजिब मजदूरी नहीं दी जाती है और जब ये शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी मजदूरों के दबंग मालिकों के प्रभाव में इनका ही उत्पीड़न करते हैं। और जब ये श्रम विभाग में अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी और श्रम उप श्रमायुक्त ये कहते हैं कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी शिकायत हम नहीं सुनेंगे। हमारा विभाग श्रमिकों की समस्या को सुनता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टरों की समस्याओं को नहीं सुनता। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी भी उनको जो है मजदूर संरक्षण कानून बना करके उनको संरक्षण दिया जाए और उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अन्यथा जो है भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उमाशंकर सिंह। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निषाद समाज के सभी उपजातियों को आरक्षण अनुसूचित जाति देने का पत्रक राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपा गया, जिसके संबंध में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि पूर्व की सरकारों में दिवंगत नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी सरकार में निषाद समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी किया था, जिसके बाद में कोर्ट द्वारा रोक दिया गया। लेकिन लगभग 7 साल से उत्तर प्रदेश में व 9 साल से देश में भाजपा सरकार होने के बाद भी अब तक निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिल पाई है। आज निषादों की आर्थिक, शैक्षणिक व प्रशासनिक स्थिति दलितों से भी खराब है। निषादों को आरक्षण दिलवाने के नाम पर पार्टी बनाकर सत्ता वाली पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में रहने वाले नेता भी आरक्षण का नाम भूल गए हैं। निषाद समाज ने अब ठान लिया है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब निषाद समाज ने यह जान लिया है कि यह लोग केवल निषादों का वोट लेते हैं और बाद में उन्हें धोखा देते हैं। इस अवसर पर गंगा सागर निषाद, श्यामदेव निषाद, रामवृष निषाद, प्रेमचंद निषाद, दयाशंकर निषाद, संजय पहलवान, चंचला निषाद, बंशीधर निषाद, कमलेश निषाद, घनश्याम निषाद, राम सिंह निषाद, मनोज निषाद, सुरेंद्र निषाद, रामनिवास निषाद, रामनेही निषाद सहित अन्य निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दिलाने, निषाद समाज की जितनी उपजातियां हैं सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर के
आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। चूंकि निषाद समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक सभी स्थितियों में बहुत दयनीय स्थिति है। अभी तक निषादों की सुधि किसी ने नहीं लिया है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देश आज़ादी के बाद से हमारे समाज का विकास रुका हुआ है। इस नाते आज हम सभी लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी संख्या है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो उस सत्ता और सरकार को निषाद समाज के लोग उखाड़ फेंकने की हैसियत रखते हैं। 2024 के पहले अगर निषादों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिला तो इसी गोरखपुर जनपद से शुरू होगा। पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लोग सत्ता के विधायक सांसदों को हरा करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में क्रीड़ा मैदान का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनपद के न्यायाधीशों ने मैदान पर बैडमिंटन खेला, जिसमें विजेता व उपविजेता को जनपद न्यायाधीश द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में हम लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसके मैदान पर शुभारंभ हुआ है। इसलिए सभी अधिकारियों से अपील है कि वो खेलें व स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया कि बीते दिनों कोविड ने जो दृश्य दिखाया उससे सभी लोगों को खेलते रहना चाहिए। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। अरे दीदी 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 देखो आओ खिलाते हैं। अरे बधाई हो आपको, अगली बार जीतेंगी पक्की। मुस्कुराइए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, न्यायिक परिसर में हम लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ किया है और अपने अधिकारीगण से, उनके परिवारीजन से यह अपेक्षा है कि खेलें स्वस्थ रहें। बीते दिनों कोरोना ने जो दृश्य दिखाया इसलिए आवश्यक है कि हम सब खेलकूद करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहे। धन्यवाद। नगर निगम के द्वारा गोलघर को नो पार्किंग जोन बनाया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गोलघर के व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई थी कि उसको कैसे जाम से मुक्त करवाया जाए और कैसे अन्य शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाए।
जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गोलघर में किसी के पास पार्किंग नहीं है, इसलिए हमने गोलघर को नो वेंडिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाया है। इसलिए सभी चारपहिया वाहनों को मल्टीलेवल पार्किंग खड़ा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे शहर को जाम से मुक्त करवाया जा सके। यदि कोई सड़क पर वाहन खड़ा करता है तो उससे 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए शहर को सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और मेयर सर के साथ में गोलघर व्यापारी एसोसिएशन के साथ एक बैठक हुई थी। लगातार 3-4 बैठकें हुई। गोलघर को, जो कि शहर का एक प्राइम एरिया है, उसको कैसे जाम से मुक्त कराएं और कैसे गोलघर को हम शहरों के मुख्य मार्केट के तर्ज पे विकसित करें, तो यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है। बहुत बड़ा कारण है यहाँ की पार्किंग। तो गोलघर एरिया को, पूरे कचरे चौराहा से लेकर गणेश चौराहा तक, सबको हमें चार पहिया से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गोलघर मल्टी लेवल कार पार्किंग है। तो निर्णय लिया गया कि इस एरिया में कोई भी फोर व्हीलर नहीं लगेगा। फोर व्हीलर लगाने के लिए गोलघर मल्टी लेवल कार पार्किंग में जाइएगा, फिर भी कोई लगाता है तो 1,000 रुपये का चलन किया जाएगा। और दुकानों के सामने जो छोटी सी जगह है वाइट पट्टी के अंदर वाली, उसमें टू व्हीलर्स अलाउड किए हैं अभी, लेकिन फोर व्हीलर बिल्कुल अलाउ नहीं है। ना ही कोई भी किसी तरीके का वेंडर्स किसी तरीके का ठेला खुमचा ये सब अलाउ नहीं है। इसीलिए लगातार अनाउंसमेंट भी पिछले 1 महीने से कराई जा रही है। नगर निगम परिवर्तन दल के द्वारा लगातार कार्यवाहियाँ भी हो रही हैं, और आपके माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों से अपील भी करेंगे कि गोलघर को एक अच्छा, एक सुंदर मार्केट बनाने में हम सबका सहयोग करें। अपनी गाड़ियों को उचित पार्किंग में ही अपने पार्क करें, सड़कों पर, गोलघर की सड़कों पर ना लगाएं, अन्यथा इस पर चालान किया जाएगा, आपको परेशानी होगी। बहुत लोगों को इसलिए फ़ोन आ रहा है कि उनकी गाड़ियाँ उठाई ली जा रही हैं। तो इसलिए गोलघर को जाम मुक्त करने के लिए, एक बेहतर मार्केट बनाने के लिए, गोरखपुर का हृदय स्थल बनाने के लिए गोलघर को चार पहिया वाहनों से मुक्त करें, पार्किंग में ही अपनी दुकानें लगाएं, अपनी गाड़ियां लगाएं, और किसी भी प्रकार की दुकानों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी वेंडर यहाँ पे अपना वेंडिंग ना करे। इसको लेके जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरी सड़कों पर हमने लगा दिया है कि नो वेंडिंग जोन है, नो पार्किंग जोन है। नगर निगम का सहयोग करें। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग, और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जनपद के सभी थानों के 5 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि गोरखपुर जनपद के सभी थानों से 5 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसका साइट्रेन नाम है, जिसमें साइबर अपराध से बचाव के लिए बताया जाएगा कि कैसे साक्ष्य संकलन करना है और कैसे फॉरेंसिक जांच करनी है। इसके अलावा यदि कोई साइबर अपराध के संबंध में सूचना मिलती है तो कैसे कार्य करना है, यह बताया जाएगा, जिसके इस विषय में पुलिसकर्मियों को बताया गया है। इसमें उपनिरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण लेना है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे ही साइबर घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहना होगा, जिसके लिए यह कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसका निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। हम लोग कॉलेज व स्कूल में जाकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इस अवसर पर SP नाथ मनोज अवस्थी, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी पुलिसकर्मियों को हम लोग जो साइबर का कोर्स है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग दिलाएंगे, ठीक है। कोई भी इवन अधिकारी से लेकर लास्ट कॉन्स्टेबल तक कोई भी ऐसा रहेगा नहीं जो ये कोर्स ना करे, ठीक है। ये राशन की भाषा भी है और आज की ये आवश्यकता भी है कि हम क्रिमिनल से दो कदम आगे रहे, ठीक है। इसी हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है, लगाव देना है, और जब आप एक मॉड्यूल खत्म करते हैं कोर्स को आपको सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इसमें आप बेसिक करने के बाद आप फिर इंटरमीडिएट और
एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये यूजर आईडी पासवर्ड से आपको बेसिक कोर्स ले लिया गया है, इसमें आप पहले बेसिक करने के बाद फिर इंटरमीडिएट और एडवांस भी उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि सर ने भी अपना नाम दिया है और सारे अधिकारी कर वो भी सभी लोग करेंगे, सभी अधिकारी लोगों का एक बना करके पासवर्ड। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, आज गोरखपुर स्थित अनेक्सी भवन में गोरखपुर जनपद के सभी थानों से 5-5 कर्मचारियों को यहां बुलाया गया था और उन्हें साइबर क्राइम के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कोर्स डिजाइन किया गया है पुलिस कर्मियों के लिए जिसका नाम है साइट्रेन। उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है साइबर क्राइम्स रिलेटेड क्राइम्स का, कैसे फॉरेंसिक उसका होना है, कैसे उसमें साक्ष्य संकलन करना है और किस तरह से जैसे कोई सूचना मिलती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारे उसके ट्रैक्स हैं। इनके विषय में जो हमारे पुलिसकर्मी आए हैं उनको विस्तार से बताया गया है और इसमें अधिकारी लेकर के जो नीचे कांस्टेबल तक है सभी पुलिसकर्मियों को अधिकारीगणों को इसमें ट्रेन होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही जो साइबर क्राइम रिलेटेड घटनाएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम है उसको टैकल करने में, उसको क्रैक करने में अडेप्ट हों और इसी उद्देश्य के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आज उसी के संबंध में ये ट्रेनिंग की गई है और जो हमारे कर्मचारी आए हैं उनको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड भी बताया गया है और उस ऐसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड केसेस को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके विषय में उनको ट्रेनिंग दी गई है। ये शासन की मंशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सभी की मंशा है और ये हम लोगों का भी उद्देश्य है पुलिसकर्मियों का भी कि जो हमारी जनता है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग जो बहुत स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर के सभी अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साइबर वॉलंटियर्स भी तैयार कर रहे हैं ताकि वो पुलिस के बिहा पे जाकर के स्कूलों और कॉलेजेस में और ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट हों वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके, क्योंकि साइबर अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है सतर्कता और अवेयरनेस। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का शिकार हो। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। एक बार प्रयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से गलने में 4 से 5 हजार वर्ष तक का समय लग जाता है। उक्त बातें अच्छा फाउंडेशन एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कही। उन्होंने कहा कि एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक की जगह हमको झोला लेकर दुकानों पर जाना चाहिए जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना हो सके। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक खाने से गायों तक की मौत हो जाती है, इतना ही नहीं इससे प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा फाउंडेशन के अध्यक्ष दुर्गेश बजाज ने कहा कि यह जन जागरूकता रैली आगे भी जारी रहेगी जिससे लोगों को एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। रैली की शुरुआत टाउन हॉल में स्थित महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद एसपी सिटी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के हाथों श्री लगाया
रैली की शुरुआत टाउन हॉल में स्थित महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के हाथों हरी झंडी दिखाकर की गई। रैली शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए चेतना तिराहा पर आकर खत्म हुई। इस अवसर पर अच्छा फाउंडेशन के अध्यक्ष दुर्गेश बजाज, उप प्रबंधक अंजलि सिंह, कोषाध्यक्ष नीरज पांडे, महामंत्री पवन शाह के साथ सदस्य हरीश चंद्र, एनएसएस के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, योगाचार्य डॉक्टर विनय मल, जितेंद्र प्रजापति, पवन कुमार, प्रदीप यादव, प्रदीप प्रजापति के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।